दोस्तों आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों के काम करने का तरीका और लोगों का दिमाग भी एडवांस हो चुका है। आज से कई साल पहले अगर हम ये कहते कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिल जाती है तो ये कहना ठीक होता, परंतु आज ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हर फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है और केवल वही व्यक्ति इस भीड़ में आगे निकल पाता है जिसमें या तो बहुत ज़्यादा काबिलियत हो या वो अपने अंदर अपनी काबिलियत को बढ़ा ले। लेकिन सिर्फ इतना करना काफ़ी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। दोस्तों मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता के एक और पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास भी पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेवर प्रेज योर सेल्फ। दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज के टाइम में ना हवाबाजी बहुत ज़्यादा होने लगी है। जिसे भी देखो वो हवाबाजी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। कोई इंसान अगर किसी फील्ड में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो मेहनत कम करता है और गाता ज़्यादा है। अपने दोस्तों को बताना, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और अपने करीबियों के पास जा जाकर बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये आपको कभी नहीं करना। ऐसा करने से पहली बात तो आपको नज़र लग सकती है। देखिए ये थोड़ी फनी बात है बट मैं इसमें बिलीव करता हूँ, लेकिन जो इसकी सेकंड बात है वो ये है कि ऐसा करने से आपके काम पर इम्पैक्ट आता है। आपको लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया और जो काबिलियत आप हासिल कर सकते थे वो आप हासिल नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी दूसरों को जाकर तब तक मत बताओ जब तक कि आपका काम, आपका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आप सबको ऐसे बताते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके काम पर इम्पैक्ट डालेगा और आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते थे या जो आप डिजर्व करते हैं। और दोस्तों ऐसा करने से दूसरे लोग आपको घमंडी भी समझेंगे, उन्हें लगेगा कि ये सिर्फ अपनी बढ़ाई करना जानता है, इसे तो मेहनत करना नहीं आता। इसलिए हमेशा शांति से अपना काम करो और जब हो जाए तो दूसरों को सिर्फ रिजल्ट दिखाओ, रास्ता नहीं। और दोस्तों दूसरी बात, मेंटेन योर पेशेंस। दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करा या फिर एक छोटा यूट्यूब चैनल ही, लेकिन अगर आप एक महीना, दो महीना, तीन महीना या चार महीना कर देते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है कि आपको गिव अप कर देना है, आपको छोड़ देना है। आपको ये सोच लेना है कि मुझसे हो नहीं सकता या मैं कर नहीं सकता। ऐसा करने से आपको कुछ हासिल तो नहीं होगा, बल्कि जो आपने तीन से चार महीने अपना टाइम और अपना पैसा और अपनी मेहनत उसमें इन्वेस्ट करी है वो सारी बेकार हो जाएगी। इसलिए कभी भी गिव अप ना करें, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखें और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहाँ अपने काम में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, आप क्या गलती कर रहे हैं और उससे सीखकर आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बजाय तीन से चार महीने किसी काम में मेहनत करने के बाद आपको ये नज़र आए कि आप इसे कर नहीं सकते, इस बात का कोई तुक नहीं बनता। मेहनत के साथ साथ अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते रहे, जहाँ आपको लगता है कि आपकी गलती है या आपकी कमी है, उस फील्ड को या उस क्षेत्र को इम्प्रूव करें, उसमें आगे बढ़ें। ऐसा करने से आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिर आप हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क भी करेंगे, जहाँ आपका दिमाग आपका साथ देगा और शरीर उस काम को करने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों ये वही समय होता है जब पेशेंस आपकी परीक्षा लेता है और तब आप उन हालातों को कैसे हैंडल कर पाते हैं। और दोस्तों आखिरी बात वो है अर्ली सक्सेस। दोस्तों कई बार हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई इंसान रातों रात वायरल हो जाता है, पूरी दुनिया उसे जानने लग जाती है, पहचानने लग जाती है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ पर कभी भरोसा ना करें और ऐसा करने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि एक रात में मिली हुई सफलता एक रात में जा भी सकती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो फेमस तो रात भर में हो गए लेकिन उनका नाम, उनकी शोहरत एक रात में ख़त्म भी हो गई। और दोस्तों एक और बात कि कभी सीखना बंद ना करें, कोई भी व्यक्ति एक बार में दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता, यही सच्चाई है। बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बनने के लिए उसे हमेशा सीखते रहना पड़ता है, यहाँ तक कि 99 साल की उम्र में भी आप सब कुछ नहीं जान पाएंगे, तब भी आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी रहेगा। आपको
आपको हमेशा किताबें अखबार पढ़ते रहना चाहिए। आप हर रोज कुछ नया सीखेंगे और आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे जो आपके काम में और अधिक सफलता आपको दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, वो है कि आपको रुकना नहीं है, मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको उसके साथ साथ अपने दिमाग का, अपनी स्मार्टनेस का भी इस्तेमाल करना है। देखना है कि कितने रास्ते आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा सकते हैं और उन सभी रास्तों को ट्राई करना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बेस्ट एडवाइस आप सभी के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।